अठवी जमात च पढ़ते 12 साल मयंक ने इतिहास रच दिता है जो की उत्तर भारत की सब तो छोटी उम्र का करोड़पति बन गया है। मयंक दे वालों KBC शो दे विच अपना शानदार प्रदर्शन करदियां 1 करोड़ की राशि जीती गई है। यानी कि मयंक ने हॉट सीट ते बैठ के एक एक सवाल का जवाब दिता अति कदम बताउंदिया 1 करोड़ रुपए तक दे सवाल तक पहुंचा, सही जवाब दिता ते 1 करोड़ की राशि अपने नाम कर ली। शो देखते परिवारिक मैंबरां दा भी उस समय खुशी दा कोई टिकाना नहीं रहा जदो मयंक ने 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि जीती। इत्थे हॉट सीट ते बैठे मयंक नू इस तरह कामयाब होंदिया देख के अमिताभ बच्चन भी अपनी सीट तो खड़े हो गए ते वो भी हैरान रह गए। दस दिए कि महेंद्रगढ़ जिले दे विच ए पहला बच्चा है जिसकी KBC दे विच चोण हुई ते उसने शानदार प्रदर्शन भी किया है। मापिया का कहना है कि मयंक ने उन्हां दा ते पूरे जिले दा पूरे सूबे दा नाम रोशन किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों भी मयंक दे परिवारिक मैंबरां नू फोन कॉल ते वधाइयां दित्तियां गईयां ने। मयंक के माता पिता नू हर पासियों बधाइयां दित्तियां जा रही ने ते उन्हां दे होनहार बच्चे दीआं तारीफां कीतियां जा रही ने। मयंक का कहना है कि वह चाहता है कि उसके पिंड दे उसके शहर दे सारे बच्चे इसे तरह पढ़ लिख के कुछ ना कुछ वड्डा जरूर करन। महेंद्रगढ़ दे पिंड पाली दा रहण वाला मयंक है जो एक मामूली परिवार दे विच रहिंदा है। इसके पिता पुलिस हैड कॉन्स्टेबल ने। मयंक दे वल्लों KBC च जाण दी इच्छा जाहर कीती गई सी, कोशिश भी कर रहा सी ते उसकी चोण भी हुई अते KBC च हॉट सीट ते बैठ के उसने शानदार प्रदर्शन भी किया जिसका नतीजा सब दे सामने है कि ओ हुण उत्तर भारत दा सब तो छोटी उम्र दा करोड़पति बन गया। 1 करोड़ रुपए दी राशि उसने KBC शो दे विच जीती है। मयंक दे पिंड पहुंचन ते परिवारिक मैंबरां दे वल्लों जश्न मनाए गए ने। उन्हां दी खुशी दा कोई ठिकाना नहीं रहा जदों मयंक 1 करोड़ रुपया जीत के वापस पहुंचा। पिंड दे विच बैंड बाजियां दे नाल गड्डियां दे काफले कढे गए अते पूरे पिंड दे विच जश्न वर्गा माहौल बन गया। मैंने जो ये किया है, मतलब ये जो कार्य हुआ है बाबा से मन्नत मांगने से, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा होगा कि और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गांव के और बच्चे हैं या फिर हमारे जो पूरे देश के और बच्चे हैं वो भी ऐसे ही मेहनत करते रहें और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपना नाम दर्ज करें। खुशी का अवसर है कि बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। और मैंने जैसे मयंक से बात करी थी, मैंने प्रदीप से बात करी थी, मयंक के पापा से, दादा साधु राम जी से बात करी थी, पूरे परिवार में बैठ के जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि मयंक की पहली CD है। अभी इसके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है, बहुत सारे विकल्प इसके आगे हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा अमिताभ बच्चन जी 7 करोड़ रुपये का इससे सवाल पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि फाइनल स्टेज तक ये गया है, उसका जवाब दिया नहीं दे पाता है। ये सब चीज़ें देखने के लिए आज शाम को इसका टेलीकास्ट होगा, रात को 9 बजे प्रोग्राम आज आएगा Sony TV पे और Sony लाइव एक ऐप आती है उसके ऊपर, और कल भी 28 तारीख को भी आएगा। बहुत सारे शहर में गांव में कई जगह पर LED और प्रोजेक्टर लगा करके इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है और हम सब पूरा गाँव, हम तो परिवार के लोग हैं, पूरा गाँव और सभी लोग इससे बहुत खुश है। बहुत बहुत बधाई हम इस छोटे लाडले चैंपियन को देते हैं, किसने ऐसी अचीवमेंट करके हम सबको इतना गौरवान्वित किया है। और एक खास बात और, जहां बाबा जनामदास जी के धाम के ऊपर खड़े हुए हैं, ये जब यहां से गया तब से लेकर के और आज तक इसके मन में बाबा जनामदास जी के प्रति हर समय पर इसने बाबा को याद किया, ऐसा इसने मुझे बताया। चाहे फ्लाइट में गया तो सीट के ऊपर सबसे पहले बाबा जनामदास जी की तस्वीर रखना, चाहे हॉट सीट में जाने से पहले बाबा रामदास जी का नाम स्मरण करके, जब लोग कापी किताब लेकर के तैयारियां कर रहे थे तब ये अपने रूम में बैठ करके बाबा रामदास जी के भजन सुन रहा था।